हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। तो इस वक्त हम लोग कंचनपुर पर है और ये रहा सुबह होटल, हमारा दोस्त इसके साथ है हम लोग, तो यहीं पे हम लोग रात बिताएंगे। बेसिकली इसमें जो है ठहरने के लिए जगह नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त है इसलिए हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे कंचनपुर मार्केट को एक्सप्लोर करने, थोड़ी देर यहाँ पे टुक टुक के लिए रुकते हैं। बाजार जाएगा, बाजार बाजार को वहां से भाई बाजार भी ट्रेन है কত লইব? 20 টাকা। तो गाइस हमें टुक टुक मिल चुका है और अभी जाएंगे यहाँ से बाजार और यहाँ से हमें देने होंगे तो 80 रुपये। सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमें चलने मन नहीं है। इसे देखो, इसे देखो, नखरे खा रही है, देख भी नहीं रही। गली से होके जा रहे हैं अभी और बिल्कुल सामने है बाजार। तो त्रिपुरा में एक चीज़ मुझे यहाँ अच्छा लगा, ये जो टुक टुक है ना, ये सारे जो है नॉन पोल्यूशन व्हीकल है, इसमें पोल्यूशन नहीं होता है, तो बहुत अच्छा है। इसमें हवाएं भी ताज़ा हवाएं मिलती रहती है, नो एसी, नो आर्टिफिशियल एयर, नेचुरल एयर। दूसरा तो ना यहाँ में जो है ट्रैफिक बहुत लगता है। अभी बाजार के बीचों बीच है, छुट्टे पैसे नहीं है 100। यहाँ रहा गाइस बाजार, तो हम किस साइड में जाएंगे? सिंधी जैसे इधर जाके देखते हैं जरूरी सामान। तो ये है गलियों के अंदर बाजार। अब यहाँ में जाके हमें ढूंढना है चकमा ट्रेडिशनल ड्रेस, जहाँ पे बेचते हैं वहीं पे जाना है हमें। वाह, तो बहुत सारे दुकानें हैं बर्तन वगैरह। दिस इज पब राइस। यहाँ की गलियों को देखकर गुवाहाटी का याद आ गया गाइस। कंजेस्टेड एरिया पे दोनों साइड पे दुकानें, बीच में रास्ता छोटा सा। ये गलियां जो है एक्सपेक्टेशन से थोड़े से भरे हैं, लंबे भी है। कहाँ मिलेगा हमें दुकान? यहाँ से कपड़ों के दुकान शुरू होते हैं। सांगवा फिनो ना दी वो बेजन है। इंडी मुद्दे भी ए लाइन न तो दोबारा सेम जगह पे जाना पड़ेगा गाइस, जहाँ से आए थे उधर है दुकान, हमें तो ना दिखा। तो यहाँ पे जो है सारी ग्रोसरी की सामान मिलती है और आगे में होगा शायद हम जिस दुकान को ढूंढ रहे हैं वो। बिल्कुल गुवाहाटी वाली फीलिंग आ रही है। कहाँ है इससे पूछता है दादा। ए चकमा ये एकदम ये ऐसे तार दुकान टू को सामने। गाइस ब्रोकन बंगला आई एम टॉकिंग। मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती बंगाली, पता ही नहीं मैं क्या बोला, मैं ये बोला मैं। कहाँ है कहाँ?
कहाँ आगे? अरे यहाँ तो दुकान ही नहीं है, और कितना आगे, और कितना आगे। गाइस लिटरली हम लोग एक ही जगह पे बार बार आ रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। अभी अभी एक चकमा लड़की मिला, उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि आगे है दुकान, हमें थोड़ी दूर चल के जाना होगा। ये कहाँ टर्निंग पॉइंट पे आ गए, इधर से जाना होगा क्या हमें? यहाँ देखो गाइस, ये जिससे चावल सफा करते हैं ना, वो चीज़ है। बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन जो हम ढूंढ रहे हैं वो तो मिला नहीं हमें। जेरी आगे आगे चल रही है। यहाँ पे जो है सब्जी मंडी है, और यहाँ देखो गाइस ये सारे जो है स्नेल है, चकमा लैंग्वेज में कहते हैं सामुक, पानी में पाए जाते हैं। तो ये सारे जो है बम्बू सूट है, हाँ हर जगह आपको मतलब स्नेल तो मिलेगा। और दिस इज फंगस, या फिर चकमा लैंग्वेज में हॉकैंग वूल भी कहते हैं इन्हें। यहाँ पे पकौड़े वगैरह क्रीम बॉन वगैरह बेच रहे हैं, पान तो हर जगह मिलेगा ही। मतलब सब चीज का मिक्सचर दे दीजिए, चटपटा सा कुछ मसालेदार खाने मन है। तो गैस अभी हम लोग कंचनपुर बाजार से जो है ये सारी चटपटी सी चीजें खाएंगे। हाँ चने डाल रहे हैं, मिर्च। चटपटा सा मिक्सचर खा रहे हैं, और ये लिया है 20 रुपीज़ का खीरा, लोकल खीरा या फिर मम्बरा कहते हैं चकमा लैंग्वेज में। ये है कंचनपुर का मेन मार्केट। जब हम तुक तुक से गए थे तो इस वाली गली से गए थे, लेकिन अब भी हम लोग जा रहे हैं पैदल। बिल्कुल सामने है, बेकार में 20 रुपीज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पैदल भी चल सकते हो, साथ ही में आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। चल भक्ते देखो गाइस, कुछ ही दूर चलने के बाद पहुंच गए, वो रहा अपना ढाबा जहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं। और यहाँ से कुछ ठंडी चीज़ें खाने मन हो रहा है, आइसक्रीम खाने मन हो रहा है, लेकिन आइसक्रीम जो हमें कहीं भी नहीं मिला। यही से ये स्प्राइट है दीजिए। सा हो लो लो। तो हमें आइसक्रीम तो नहीं मिला, इसी स्प्राइट से काम चला लेते हैं। चलो यहाँ देखो गाइस, यहाँ भी गांव है शायद अंदर में। और यहाँ पे जो है 98% लोग चकमा है, और बंगाली लोग साथ में मिल के रहते हैं मिलजुल के। तो हम लोग मिजोरम से ऊन वाले पहाड़ों से होके आए। देखो आपको यहाँ से रात हो गया ना, तो रास्ते नज़र नहीं आ रहे। हाँ
जत्ता बाजार हम इकोर सुविधा बंगे आए गम 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 बादों का कहीं चुन हुए माना मामा रहा कौन जिधर हो बार आओ तो ये है हमारा होटल का जो ओनर है तो ये जा रहे मार्केट अभी ढाबे पे हम लोग बैठेंगे हाय अभी ढाबे पे हम रुकेंगे अभी हम ओनर है इस ढाबे का नाउ वी आर द ओनर ऑफ दिस ढाबा हाय और पीऊंगा लाओ तो यहाँ पे बैठे आज रात जो है यहीं गुजारना है तो आज का वीडियो में कुछ दिखाना था नहीं है शायद रात तक हम डिनर करते वक्त भी वीडियो बना लूँ वहीं तक आज का वीडियो हो जाएगा क्योंकि बाज़ार में जब हम गए तो ज़्यादा कुछ था नहीं वही नॉर्मल सी दुकान वही नॉर्मल सी सब्जियों की मंडी तो वही थी लेकिन हम जो चीज़ ढूंढने गए थे चकमा ट्रेडिशनल ड्रेस वो हमें मिला नहीं वाह फिर से ड्रेस चेंज कर लिया अब रेस्ट करना है यहाँ देखो ये रहा ये अपना टी शर्ट इसमें कुछ दाग लग गया था तो नींबू से रगर रगर के धोया हूँ अभी फैन के नीचे सुखा रहा हूँ वाह सूख भी रहा है क्या खुशबू है ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है और जेरी देखो बर्तन साफ कर रही है बैकून हो पियो इतना जोर से हवा आ रही लड़कियों का यही तो वाह बर्तन साफ कर रही है देखो और हवा आने पर ये बहुत ही आवाज करता है वाह ये टूट गया ना बेचारा अकेला है ना उसका बीवी भी नहीं है तो काम तो हेल्प करना पड़ेगा उन्होंने हमें हेल्प किया यहाँ रहने दिया बदला 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 देखो अब शोर मचाएगा ये शाम होने पर यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है हाँ कौन सा वाला लाइट चलाऊं बाहर में भी लाइट है क्या अरे कहाँ है स्विच सब्जी काटने में हेल्प कर रही है देखो ये सब्जियाँ बनाएंगे होटल में मिक्स सब्जी और ये आलू भाजी इसमें प्याज और लहसुन है बम्बू सूट है यहाँ ये तो बिल्कुल एक्सपर्ट है देखो आप लोग को दिखाता हूँ इसका एक्सपर्टनेस देखो कैसे स्पीड में कर रहे दादो तो ये वो मुद्दा लेम एकदम जिगुना से वक बैक है वक तो गाइस आज हम लोग पकाएंगे ये मिक्स सब्जी हमारे दोस्त के ढाबे पर ये रहा बॉयल इसमें चिल्ली डाला है श्रीम पेस्ट डाला है नमक डाला है हल्दी डाला है बस अब इस बॉयलिंग होते हुए पानी में इन सब्जियों को डालना है बस यही है चकमा स्टाइल रेसिपी कुकुम्बर की चटनी खाएंगे गाइस ये हमारा सब्जी बन के हो गया तैयार और ये रहा खीरे की चटनी यहाँ में मिर्च डालेंगे और यहाँ से डालेंगे लहसुन अभी डिनर करने का टाइम है गाइस ये देखो चटनी हो गया तैयार ये रहा सब्जी अब खाने का टाइम है कैसा लगा नमक चाहिए